नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे एग्जामिनेशन भर्ती यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने जूनियर इंजीनियर स्टेज वन एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी कि 13 अगस्त 2019 को रेलवे ने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा थी यानी जूनियर इंजीनियर की स्टेज वन का सारे ही रीजन का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे, स्टेज टू का ही पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे, स्टेज वन का ये भी दिखाएंगे, रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। हर रीजन का रिजल्ट आ चुका है, आपको सिर्फ एक क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर वन वेबसाइट sarkaririzult.com को ओपन करना है। यहाँ दोस्तों ध्यान रहे sarkaririzult.com, जब भी आप सरकारी रिजल्ट खोलिए लास्ट में .com जरूर लगाइए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी फेक वेबसाइटें आ गई हैं, जिसमें आपको गलत जानकारी वगैरह मिल जाएंगी, आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों आपको दूसरी एक और वेबसाइट बताते हैं, जिसका नाम है rojgarrizult.com। दोस्तों ये वेबसाइट भी sarkaririzult.com की तरह बिल्कुल ही फ्रेश वेबसाइट है और सबसे तेज़ अपडेट होती है, बिल्कुल ट्रस्टेबल वेबसाइट है। आँख बंद करके आप इस वेबसाइट पे भरोसा कर सकते हैं और सब चीज़ें आपको बिल्कुल ही तेज़ अपडेट मिलेगी। चलिए दोस्तों हम वापस बात करते हैं रेलवे के जूनियर इंजीनियर एग्जाम की। ये देखिए रिजल्ट सेक्शन में रेलवे के जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जो है जारी हो गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे रेलवे ने टोटल 13,487 पोस्ट के लिए इस भर्ती को लिया था, और आप देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं आपको जो RRB वाइज वाला जो रिजल्ट है ये भी आ चुका है। देखिए जैसे आपको कोलकाता का रिजल्ट देखना है, देखिए अवेलेबल आ गया, और जिसपे अवेलेबल सून लिखा है यानी वो अभी आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिसपे अवेलेबल सून लिखा है उसका रिजल्ट भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। जैसे सपोज आपको जैसे बैंगलोर का रिजल्ट देखना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड हो रहा है रिजल्ट हमारा, ये देखिए दोस्तों रिजल्ट डाउनलोड हो गया। नीचे यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली इजी स्टेप है दोस्तों। दोस्तों को मान लीजिए आपको इसके अलावा किसी और रीजन का रिजल्ट चेक करना है जो इसमें अवेलेबल सून पे, तो आपको देखिए ऊपर आएंगे, देखिए डाउनलोड रिजल्ट का एक लिंक आ रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स के नीचे डाउनलोड रिजल्ट का एक लिंक आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको किसी और जोन का रिजल्ट चेक करना है जो इसमें अभी अवेलेबल सून है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हुए देखिए सारे जोन खुल गए हैं, जिस भी जोन का आपको रिजल्ट और साथ में स्कोर कार्ड चेक करना हो। सपोज जैसे मान लीजिए मुझे रांची का चेक करना है, तो मैं रांची पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है, मैं करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये देखिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, अब मैं अपना लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए ऊपर नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उसके नीचे आपने किस RRB के लिए अप्लाई किया वो है, नीचे आप देख सकते हैं नंबर है कि 100 नंबर का है, और इसमें आपको कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके करेक्ट आंसर थे, कितने गलत थे, टोटल आपको कितना नंबर मिला, टोटल आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज स्टेज टू के लिए आप क्वालिफाइड है कि नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मैं जो स्टेज टू के लिए क्वालिफाइड हूँ, इसलिए आप मुझे बधाइयाँ भी दे दीजिए इसी में यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सिविल और एलाइड इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाइड है। तो चलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।